टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये डेरिवेशन की फॉर्म में आ सकता है। तो लेट अस सपोज ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, मान लो फर्स्ट प्लेट को आपने चार्ज दिया क्यू, इसका एरिया ए, इसके सामने एक और प्लेट है अर्थ किया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फिर मैंने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो यहां पर और यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और हमने फ्लक्स में डिस्कस किया था शीट्स में क्या, कि ई की वैल्यू कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कॉन्स्टेंट होती है। कितनी होती है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये ई की वैल्यू आ गई और ये कॉन्स्टेंट है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैंने इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया, ये प्लेट्स कितने डिस्टेंस अपार्ट है, डी। इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है वी प्लस और इस प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल है वी नेगेटिव। अब पॉजिटिव पोटेंशियल बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। अगर मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं तो चार्ज क्यू, पहली प्लेट का चार्ज क्यू, इसका नहीं लेना, पहली प्लेट का लेना है क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस नेगेटिव तो होती नहीं है, और अगर नेगेटिव नहीं होती तो अपने को बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो कैपेसिटेंस अगर आप निकालना चाहते हो इसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों प्लेट्स का, वी प्लस माइनस वी नेगेटिव। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका क्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला। अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम यह है कि पॉइंट चार्ज चाहिए और यहां शीट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, तो ये फॉर्मूला तो फेल है, नहीं निकाल पाऊंगा मैं। फिर मैंने दूसरा रिजल्ट लगाया, कौन सा, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज क्यू, तो ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं, तो मैं वर्क डन बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस लगा नहीं सकता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन मेरे पास है नहीं। तीसरा तरीका, लास्ट तरीका है माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, ये था पोटेंशियल डिफरेंस, याद है थर्ड डेफिनेशन। ये फॉर्मूले के अंदर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं उसमें क्या रूल लगाते हैं, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल नहीं लगाते, नहीं लगाते। नॉर्मली इंसान की आदत है बड़े में से छोटा माइनस कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। हम ऐसा लगाते हैं, अगर हम इस प्लेट से इस प्लेट पे जा रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, तो क्या करना है, आपका ये वाला पोटेंशियल क्या माना जाएगा, फाइनल, और ये क्या माना जाएगा, इनिशियल। तो ये डेफिनेशन क्या यूज करती थी, कॉन्सेप्ट फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है यहां तक, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, इसको ये लेना देना नहीं कि बड़े में से छोटा, इसकी तरफ से पोटेंशियल डिफरेंस चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, पर ये रूल क्या यूज करती है कि आप जहां से जहां गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए तो फाइनल माइनस इनिशियल ये बनेगा। और ये है क्या, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ई कहां पर है, राइट, आप कहां जा रहे हो, राइट, ई और डी आर में एंगल क्या होगा, जीरो। दोनों प्लेट्स में दूरी क्या है, डी, तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से डी, तो जीरो से डी लगाएंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वन डी आर, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है प्लेट्स के बीच में बाहर आ गया, वन डी आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, जीरो से डी, डी होती है। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस वी नेगेटिव माइनस वी पॉजिटिव, पर आपको रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट बड़े में से छोटे की है, क्योंकि जब कैपेसिटेंस निकालते हैं उसमें बड़े में से छोटा यूज करते हैं, सिंपल, इसमें हमेशा बड़े में से छोटा यूज होगा, पर हमारी डेफिनेशन उल्टा निकाल रही है, तो इसको उल्टा कर दो, इसको रिवर्स करो, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ गया आंसर, तो इसको उठा के आप यहां पे पुट कर दें रिजल्ट को, ई इंटू डी, और ई क्या होता है कैपेसिटी की प्लेट में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय क्यू से क्यू कैंसल, और आंसर क्या आएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार यूज होगा, फॉर्मूला रजिस्टर में प्लीज ये फॉर्मूले को नोट कर लें कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी।